Hello everyone, welcome to my channel's VS Education's Hub. In this video, I am here to discuss arithmetics math ke kuch questions jo ki aapke exams yani ki RBI assistant 2020 ka jo pre ka exams hua hai unme jo questions aaye the right 14th of feb ko jinka kal exams hai unke liye yah video bahut important hai okay to unhi ke aaj jo exams hue unse related kuch questions yahan par apan discussions karenge to please dhyan se dekhiyega koi aise questions se bahut hi acche arithmetics related questions se आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम्स में जिनका भी कल एग्जाम्स है ओके एंड देन वन मोर थिंग्स माय डियर एस्पिरेंट्स अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस टाइप के वीडियो आपकी प्रिपरेशंस के लिए आपको वीडियो मिलते रहें ओके एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा जिनका एग्जाम्स है उन तक पहुंच पाए ओके और जिनका भी एग्जाम्स हो गया है यानी कि आज की डेट में वो कमेंट बॉक्स में अपने अटेम्प्ट लिख सकते हैं सिप्स में लिख सकते हैं और कौन की पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स वाइज लिख सकते हैं और जिस किसी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन याद है सर मेरे को ये क्वेश्चन याद है तो वो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं ओके प्लीज़ नोट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अच्छे से पता चल सके कि कितने आपके अटैम्प्ट है पेपर लेवल क्या आ रहा है ओके स्टार्ट करता हूं सेशंस को एंड बता दूं मैं आपको अर्थमेटिक से क्वेश्चंस एग्जाम्स का एनालिसिस फर्स्ट वीडियो मैंने दिया था आपको आरबीआई का तो प्लीज जिनका कल एग्जाम्स है यानी कि 15th ऑफ फेब को प्लीज एक बार देख के जाइएगा एंड एक दिया था मैंने नंबर सीरीज का जो क्वेश्चंस आए थे नंबर सीरीज रिलेटेड रॉन्ग नंबर सीरीज मिसिंग नंबर सीरीज सिंपलीफिकेशंस वो मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आप देख लीजिएगा एंड देन मैंने कहा था अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन के लिए वीडियो है पूरा देखिएगा वीडियो कोई भी आपको डाउट्स लगे कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए ओके स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं ओके प्लीज़ लास्ट क्लासेस जरूर देखिएगा इंपॉर्टेंट है और मैं वन मोर थिंग बताऊं अगर आप रेगुलर क्लासेस देखते हैं रेगुलर बेसिस पे मेरी क्लासेस में अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे लगभग 11th to 12th क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है इससे बाहर आपका अर्थमेटिक एक भी क्वेश्चन नहीं गया था राइट अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा पर्टिकुलर एक के क्वेश्चन मैंने उससे डिटेल्स में आपको बताया है अगर आपने होनेस्टी यानी कि बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत की है तो 100% आपके लिए पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा ओके आइए चलते हैं नेक्स्ट पे देखिए क्वेश्चंस देखिए क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है ताकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स ना हो कोई मैसेजेस ना भेजे ऑप्शंस मेरे मन से मैंने क्रिएट किए एक टाइप मत कीजिएगा सर ऑप्शंस कैसे याद रह सकते हैं क्वेश्चंस भी याद नहीं रहता ऑप्शंस कैसे याद रह सकते हैं तो ऑप्शंस मैंने मन से बनाए हैं ताकि आपकी एक तरह से क्वेश्चंस का फॉर्मेट आपको पता चल सके ओके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं देखिए इन कॉलेज एक कॉलेज है राइट एक कॉलेज है रवि स्कोर एक फ्रेंड है रवि यानी कि रवि है स्कोर 80 marks आउट ऑफ 150 में से 80 marks वन सेकेंड इंक चेंज कर लेता हूँ मैं क्योंकि स्टूडेंट्स कहेंगे इंक सर वन सेकेंड देखिए 180 marks आउट ऑफ 150 में से 80 marks ये लाता है रवि स्कोर से इन हिस्ट्री में यानी कि इतिहास के सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस की लैंग्वेज ध्यान से समझिएगा आपको समझ में आ जाएगा एंड 95 marks आउट ऑफ 120 में से ये लाता है आपकी 95 marks इंग्लिश में ही इफ ही वेंट्स अगर वह वेंट्स टू स्कोर 70% mark अगर वो 70% mark स्कोर करता है इन 3 subjects में यानी कि तीनों सब्जेक्ट्स अभी हिस्ट्री हो गया इंग्लिश हो गया और एक तीनों सब्जेक्ट आपकी जियोग्राफी दे रखा है ये रहा फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड स्कोर इन जियोग्राफी आउट ऑफ 100 में से ये कितने मार्क्स लाएगा जियोग्राफी में 2 का दे रखा है पर्टिकुलर 1 का अपने को टोटल्स दे रखा है तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल एज इट इज अब देखिए बिल्कुल बताता हूँ मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ओके हिस्ट्री दे रखा है आपको इंग्लिश दे रखा है और आपको जियोग्राफी दे रखा है ओके ये आपको दे रखा था राइट ये देखिए ये आपका था 150 का ये है और ओके और 120 का ये एग्जाम्स होना है यानी कि इसने मार्क किए और 100 का ये दे रखा है टोटल्स आपको दे रखे
तो टूटल्स आपको दे रखे हैं, बिल्कुल एज इट इज समझाऊंगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ओके, 100 एरा, 150 एरा, 150 और 120 एरा इंग्लिश में। ओके, तीनों लिख दिया, तीनों की टोटल्स हुई 15 और 12, 27 और 10, 37 यानी कि 370, राइट, 370 आपका टोटल्स हुआ। ओके, 370 यानी कि टोटल स्कूल मिला के तीनों मार्क्स का कुल मिला के 370 का पूरा पेपर था, यानी कि पूरे के पूरे एग्जाम्स में मार्क्स थे। ओके, अब इसने कमेंट एक तरह से क्वेश्चंस में दे रखा है, देखिए इसने दे रखा है 70% मार्क्स ये प्राप्त करता है, इसका 70% मार्क्स ये प्राप्त करता है, यही तो है तीनों विषयों में दे रखा। देखिए तीनों विषयों में 70% मार्क्स प्राप्त करता है, इट मीन्स 370 का 70% फाइंड आउट करना है आपको। तो 370 का 70% क्या कर सकते हैं, जीरो से जीरो गया, राइट, एंड सेवन से मल्टीफिकेशन कर दीजिए, 7 × 2 = 749, 4 कैरी, 7 × 3 = 21, 21 और 4, राइट, 4 कैरी 21 और 4 25, इट मीन्स 259 आपके टोटल्स इसको मार्क्स लाने हैं। ओके, अब देखिए पर्टिकुलर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में भी दे रखा है, 80 मार्क्स आपको हिस्ट्री में एंड 80 मार्क्स, 95 मार्क्स आपको इंग्लिश में, और पूछा क्या है जियोग्राफी, तो ये जियोग्राफी आप फाइंड आउट कर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज मैंने आपको बताया कि कैसे सॉल्व करना है। 80 और 95 बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, 9 और 8 17, 175 इन दोनों का टोटल्स हुआ, इसमें से इसको लेस कर दीजिए तो आपके पास आंसर आएगा 4, 25 माइनस 17 यानी कि 3 और 8 यानी कि 84 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ, समझ में आया क्वेश्चंस, बिल्कुल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अब बिल्कुल रैंडमली जा सकते हैं तो इतना डिटेल्स में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, ऐसे ही कैलकुलेशंस 150 120 700 370 का 70% अब ये होता है 259, दोनों को जोड़ के एनालाइज करके आप आंसर्स निकाल सकते थे। ओके, ये मेरा न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया, उसको ऐसे सॉल्व करना था। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया तो प्लीज़ बताइएगा। क्वेश्चंस इसी टाइप के मिले थे एग्जाम्स में, कुछ स्टूडेंट ने सेंड किए जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आइए, एंड अ मिक्सर, एक मिक्सर और एलिगेशंस का क्वेश्चंस था, 60 लीटर्स, एक मिक्सर में 60 लीटर है, राइट, मिश्रण में 60 लीटर दूध और पानी का अनुपात 2:1 में है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगा, हाउ मच मोर वाटर बी एडेड टू इट्स रेशियो 1:2, राइट। देखिए पहले था 2:1, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ, मिल्क एम लिख दिया और वाटर आपका डब्ल्यू लिख दिया। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको, 2:1, राइट, ये 2 है, ये 1:1 है। ओके, तो टोटल्स आपका हुआ 3, 3 की वैल्यू इसमें दे रखी है 60, राइट, तो 1 की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 की वैल्यू कितनी आई, 20। ओके, तो 1 की वैल्यू 20 आई, याद रखिएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आपको निकालना आना चाहिए। ओके, 1:2 का मिलाया जाता है, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 1:2, अब इसको भूल जाइए, ये यहाँ तक क्वेश्चन से 1:2, अब इसको भूल जाइए, 1 की वैल्यू अपने फाइंड आउट कर ली, 20 है। ओके, 1:2 यानी कि 1:2 का अनुपात बनाने के लिए कितना अधिक पानी जोड़ा जाए, माय डियर स्टूडेंट्स वाटर ऐड करना है तो वाटर है तो मिल्क सेम रहना चाहिए, राइट, वाटर अपने को ऐड करना है तो मिल्क सेम रहना चाहिए, तो मिल्क सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो इसको 2 बनाने के लिए इधर 2 की मल्टीप्लिकेशन दोनों में कर दीजिए, तो 2×1 = 2, यहाँ पर आपके 2 हो और 2×2 = 4 हो गया यहाँ पर। ओके, अब 2 की कोई वैल्यू नहीं है, 4 हो गया, कितना ऐड किया, कितना ऐड किया, 3 यानी कि 3 पॉइंट्स इसमें ऐड किया, 3, ओके, 3 ऐड किया तो अपन कह सकते हैं 3 ऐड किया तो 1 की वैल्यू 20 है, तो 3 ऐड करने में कितना जोड़ा जाएगा, कितना मिलाया जाएगा, तो 20×3, राइट, इज इक्वल टू 60 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, 60 इज द सी इज ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन।
क्लियर हुआ, समझ में आया? इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम्स में, आप रैंडमली इसका आंसर्स दे सकते थे। ओके माय डियर एस्पिरेंट्स, अच्छा लग रहा है सेशंस, समझ में आ रहा है सेशंस, तो प्लीज़ सेशंस को लाइक करें, शेयर करें। आपका कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें, शेयर जरूर करें, ताकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तक पहुँच पाएँ जिनका एक एग्ज़ाम से उनकी भी हेल्प हो पाए। ओके एंड वन मोर थिंग्स, प्लीज़ अपने अटेम्प्ट जरूर शेयर कीजिएगा जिनका एग्ज़ाम्स हो गया है। ओके ये आपका ट्रेन का क्वेश्चन है, टू ट्रेन से, यानी कि दो ट्रेन हैं, 165 मीटर्स हैं और 135 दोनों की लेंथ दे रखी है। लॉन्ग रन एट स्पीड 70 किलोमीटर्स और 38 किलोमीटर्स इनकी स्पीड्स है, राइट, रेस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पढ़नी आनी चाहिए। दोनों विपरीत डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशाओं में, मैंने आपको बताया है, अपोजिट हो तो आपके आपके स्पीड ऐड होती है, और आपके एक ही दिशा में चलें तो स्पीड आपकी माइनस होती है। क्लियर हुआ? द टाइम्स इन सेकेंड विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, यानी कि दोनों कितने टाइम्स में क्रॉस करेगी, टाइम पूछा है सेकंड्स में। अपने पास देखिए स्पीड है किलोमीटर में और आपके लेंथ दे रखी है मीटर्स में, तो कह सकते हैं अपन लेंथ अपॉन स्पीड अपन टाइम निकाल सकते हैं। देखिए लेंथ दोनों की मिला के देखिए 100 100 200, 35 और 65 100, यानी कि 300 यहाँ पर टोटल्स आपका लेंथ हो गई, डिस्टेंस कह सकते हैं। ओके डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाइट इज इक्वल टू टाइम, हाइट, तो टाइम अपन फाइंड आउट यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। स्पीड कितनी होगी, 70 और 30 अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो मैंने कहा था प्लस होगा, तो प्लस कर देते हैं, 70 प्लस 38 आपके होता है 108 108, ये मीटर्स में है और स्पीड आपके किलोमीटर्स में है, टाइम अपने को पूछा है सेकेंड्स में, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए 5/18, राइट, 5/18, तो 18 अपने ऊपर चला जाएगा, राइट, समझ में आ रहा होगा आई होप। तो 18 से ये एकदम एकदम से आ रहा है, 6 टाइम्स 6 5 जो 30, 30 से ये पूरा का पूरा कैरी हुआ, 6 5 जो 30, राइट, तो 30 से ये 10 से 10 एंड 10 टाइम्स, राइट, तो टाइम अपने पास आया 10 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके 10 सेकेंड सी इज द करेक्ट, आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा, समझ में आया क्वेश्चंस, अच्छा लग रहा है तो प्लीज बताइए, ऐसे ही सॉल्व करना था आपको क्वेश्चंस। ओके नेक्स्ट देखिए, टू पाइप्स, ये क्वेश्चंस तो मैंने करवाए हैं, टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक 10 एंड 20 हॉर्स रेस्पेक्टिवली, दो पाइप्स है जो 10 और एक तरह से देखिए एक 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 पाइप ए है, एक पाइप बी है, ओके रेस्पेक्टिवली, एंड वन लीक कैन एम्प्टी, एक पाइप सी भी अपन मान लेते हैं वो एम्प्टी करता है यानी कि खाली करता है। ओके 10 हॉर्स में, एक 10 एक आपका 20 यानी कि 20 घंटे में, और ये सी आपका 40 आवर्स यानी कि 40 घंटे में, राइट, 40 घंटे में एक टैंक को फिल करते हैं। तीनों मिला के पूछा है इफ ऑल दीज थ्री आर एक्टिव, यानी कि ये सभी तीनों पाइप है जो खुले रहते हैं, कितने समय में टैंक को भरेंगे, ये पूछा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, इसका एलसीएम है 40 10, ये टेन से आपका 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। ओके 4 2 6 -1, ये माइनस होगा क्योंकि उसने ये एम्प्टी कर रहा है लीक की वजह से, तो 4 2 6 -1 यानी कि 5 5 एक घंटा में। ओके 1 आवर्स में 5 यूनिट्स कह सकते हैं, तो 40 अपने को भरना है, तो 40/5 इज इक्वल टू अपने को लगा का 8, एक तरह से 8 आवर्स अपने को 8 घंटे, राइट, 8 आवर्स कहाँ, बी बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर हुआ, समझ में आया क्वेश्चन, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस आपको, कि हाँ सर अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कल की जो कल की शिफ्ट होना है उनमें पूछे जाएंगे। ओके माय डियर एस्पिरेंट्स, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, तो प्लीज़ कल जो आज के सेशंस थे सारे के सारे प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स का लेवल आपको पता चल सकता है क्या लेवल आ रहा है। ओके आज देखिए मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ, बहुत से स्टूडेंट 80+ अटेम्प्ट करके आए हैं,
80 प्लस अटेम्प्ट करके हैं, तो कल ये मत कीजिएगा सर। एग्जाम्स हो, कोई भी लेवल हो एग्जाम्स का, देखिए टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है, ओके। तो याद रखिएगा जो आपको आता है वही कीजिएगा, आज के अटेम्प्ट में कल के अटेम्प्ट में कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं कि एक तरह से कह सकते हैं कुछ टफ लेवल का एग्जाम्स देते, फिर आप सोचेंगे मेरे तो इतने अटेम्प्ट ही नहीं होगा। तो प्लीज़ ध्यान रखना ये बात का, ओके। ज़्यादा तुक्के नहीं मारने, एकदम अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा क्वेश्चंस, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशंस, ओके। आपका कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग्स एंड शेयरिंग्स, आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक।